अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं जफर खान, जेड डॉट टीवी में आप सभी का इस्तकबाल वेलकम करता हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ दी आंगन एक्सपो में, जो हो रहा है शहर हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर में रॉयल रेजेंसी फंक्शन हॉल में। एक दिन का जो एक्सपो है ये धूम मचा चुका है, काफ़ी पब्लिक है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर, लोग इंजॉय कर रहे हैं जैसा कि हर एक्सपो में होता है। लेकिन इस एक्सपो में बात इस तरह से अलग है कि आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हमने आकर ये एक्सपो को क्यों मिस किया है। जी हाँ, इरफान टेक्सटाइल की जानिब से जो एक्सपो यहाँ पर जो प्रेजेंट किया गया था और इसको सजाया था आपकी यूट्यूबर शाहरुख के साथ जो आती है, जो उनकी बीवी का किरदार निभाती है, ज़ैनब अली, इसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सजाया है दी आंगन को है। आंगन में ये देख सकते हैं, आंगन पूरा भरा हुआ है इस वक्त है। हैदराबाद के जो एक्टर्स हैं अल्ताफ हैदर जानी और उनके जो साथी हैं सभी यहाँ पर आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो आपको इस प्रोग्राम में यानी कि जो यूट्यूब के ज़रिए जो आपको हंसाते हैं उसके तमाम कैरेक्टर्स भी यहाँ आने वाले हैं, उनके खाला, उनकी सानी, तमाम कैरेक्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो बने रहिए, देख रहे हैं इस वक्त हमारे पीछे काफ़ी हजूम है, सारे जो चाहने वाले हैं सब इनके पीछे लगातार लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंगन की तमाम टीम आप सभी का इस्तकबाल कर रही है और सभी को यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तमाम स्टाइल्स वाले भी बहुत खुश हैं। तो बने रहिए, आगे तक हम आपको तमाम वीडियोस और तमाम डिटेल्स आप तक पहुँचाते हैं। देखते रहिए जेड डॉट टीवी। ये बहुत मस्त दिखा है फंक्शन हॉल में, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट करे हम लोग। अल्लाह भले से मिलके कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा दिखा, अल्लाह का शुक्र सब सब जनों से मिलके अच्छा लगा। बहुत बोले तो एकदम चीखमा रंगर किराक मौत जब्बर हाईलाइट बेहतरीन लगा है। इट्स वेरी अमेजिंग। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए हैदराबादी पब्लिक जो के आंगन में यहाँ भर चुकी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है लोगों को। चलिए बात करते हैं यहाँ पे भी। आप बताइए मैडम, कैसा लगा आंगन आपको ये जो एक्सपो किया गया है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए लोग यहाँ पर एक्साइटेड थे, जो यहाँ पर लोग आए हैं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और भी बहुत बाकी है प्रोग्राम, तो देखिए थोड़ा सा और वेट करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है।
देखिए आप वहाँ पे माशाल्लाह क्राउड कैसा है। बस मेरे को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा मिल गया मेरे को, ऐसा फीलिंग आ रही, बट बहुत खुशी हो रही, ओवरवेल्म्ड हूँ मैं, ऐसा रोना भी आ रहा मेरे को सोच के कि ये हम लोग यू नो करे बोल के। लेकिन थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, इतना प्यार दिखाए, और ये अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए आप, हम लोग और बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए मैं स्क्रिप्ट होना भाई, अपन रियल लाइफ में जैसे है वैसे रील में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए बोल देंगे। इतना ज़बरदस्त एक्सपो मैं आज तक नहीं देखी भाई। शाहरुख को मैं बोल रही हूँ थी मेरे को लेके आओ बोल के, उन्होंने तो नहीं आए, मैं ही आ गई, उनका पैसा खर्चने आ गई मैं तो। बट थैंक यू अगेन, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लान रहे तो आप कब करना चाहेंगे? इंशाल्लाह एक दो तीन महीने में थोड़ा ब्रेक लेके अच्छे से प्लान करके करने का इरादा है, तो आप बस देखते रहिए। दी आंगन एक्सपो बोल के इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उसको फॉलो करिए, पूरे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम भी क्या एक दिन का रहेगा, कुछ एक्सटेंड रहेगा और कुछ? नहीं नहीं, एक दिन में अपनी पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं दिख रही, तो अपन इंशाल्लाह दो दिन का तो मिनिमम करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो वो तो पक्की बात है। तो देखिए आप लोगों के लिए खुशखबरी, नेक्स्ट टाइम भी बहुत जल्द ही आपके सामने दी आंगन एक्सपो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग भी बने रहिए। थोड़ा सा अल्ताफ भाई से हम बात करते हैं। अल्ताफ भाई, आपको आंगन में आकर कैसा लगा? सर बहुत मज़ा आया, पहली मर्तबा मैं ऐसे इवेंट में आया हूँ, और जैनब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत सक्सेसफुल रहा इवेंट, अच्छा लग रहा मेरे को, और पब्लिक भी माशाल्लाह परचेस कर रही है। इसी तरह मैं जैनब से ये कहूँगा कि महीने में एक मर्तबा या दो महीने में एक मर्तबा ऐसा एग्जीबिशन लगाए, और पब्लिक से हमको भी मुलाकात करने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे ये फैंस हैं पूरे, बहुत अच्छा लगा साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच भाई। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मज़ा आया और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लोग, और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। और ये जो आंगन है, हम एक ज़माने में सुनते थे आंगन का एक नया रूप, जैनब और इरफान टेक्सटाइल के ज़रिए आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक छत तले तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर लोग आके काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो बहरहाल जो लोग मिस कर रहे हैं, शायद नेक्स्ट टाइम ये आंगन जहाँ भी सजेगा वहाँ आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और जिस तरह अल्ताफ भाई ने बताया कि महीना दो महीना बहरहाल मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इससे आर्टिस्टों को भी एक इंट्रोडक्शन देने का एक मौका मिलेगा, और साथ साथ बहुत सारी ऑडियंस क्या चाहती है वो भी हमको मिलेगा, यह सारी चीज़ें। और स्पेशली ये जो कवरेज कर रहे हैं ज़फ़र ख़ान, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल करें, और बहुत ज़बरदस्त इनका पैशन रहता है, और मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आंगन के तमाम जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितनी ऑडियंस आई है उनका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा दिख रहा, बहुत फैंटास्टिक दिख रहा, लाइफ में पहली बार ऐसा देखे हम लोग, मेरे को भी अच्छा दिख रहा, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा दिख रहा, मेरे को भी अच्छा दिखता है। आप बताइए आपको कैसा लगा एक्सपो? अच्छा है इनका, अच्छा लग रहा भाई, अच्छा लग रहा, पसंद आया आपको? हाँ, खरीदारी की आपने? हाँ, कह रहे सूट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छा लगा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त लगा, मार्वेलस, गुड, कैसा लगा? आंगन में आपको आकर कैसा लगा, जैनब के आंगन में आपको आकर? माशाल्लाह वेरी नाइस, माशाल्लाह इतने प्यारे लोग हैं भरे हुए, आई डेंट एक्सपेक्ट कि इतने लोग रहेंगे, तो थोड़ा शॉक हुआ मैं ऑनेस्टली, लेकिन इट्स वेरी नाइस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू जैनब, बहुत एक्सपो ऑर्गेनाइज करे, एंड द होल टीम, एक्चुअली आंगन की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि इतना ऐसा इतना मतलब माहौल अच्छा होगा? नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था, बोल रहा हूँ मैं शॉक, लेकिन वेरी हैप्पी। कि आंगन में आकर कैसा लगा आपको, कितना प्यार मिला यहाँ पर? बहुत अच्छा दिखा मेरे को, बहुत लोगों से यानी पब्लिक से प्यार मिलते रहता मेरे को, और ये सब बात जो भी हूँ मैं शाहरुख की वजह से हूँ, मेरा शाहरुख नवासा होना, मैं नानी होना शाहरुख की, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, सीरियल में हम लोग ऐसा रोल निभाते, लेकिन आज मैं जो भी हूँ शाहरुख
की वजह से हूँ। और आप जो सीरियल में जो किरदार निभाते हैं तो आपको वो करने के लिए मतलब एक, एक किसने आपको आइडिया दिया या फिर आप ही इंटरेस्टेड हो गए इसमें? आप नहीं, मेरे को जो है शाहरुख चूज करे, मैं शाहरुख बोलने से मैं आई। तो अभी आप कैसा लग रहा है, आपकी आंगन में जो आए हैं तो फिर आंगन आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा दिख रहा, मेरे को बहुत खुशी हो रही, खुशी की मेरी इंतहा नहीं है। तो यानी आज आपकी बहू ने बहुत अच्छा काम कर दिखाया है, तो क्या कहना चाहेंगे बहू को आज आप? बहू तो बहुत प्यारी है भाई वो हमारा वीडियोस में ऐसा रिश्ता निभाते है। बस जैनब बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत लाइक करती हूँ मैं जैनब को, शाहरुख को। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भी आपको बहुत लाइक करते हैं, आपके सीरियल को, आपके तमाम सीक्वेंस हम देखते हैं, बहुत मजा आता है। तो आइए, इस आंगन में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ से ज्यादा यहाँ पर जो इमरान के गाने जो गाए जा रहे हैं ना, लोग यहाँ पर ठहर कर बहुत मजा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो साथ ही साथ हमको मौका मिला है तो हम उनसे बात भी कर लेते हैं कि इस आंगन में आकर और गाकर कैसा लगा, इमरान को हम जानना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे इरफान टेक्सटाइल्स प्रेजेंस आंगन में, और ये पहली बार है मुझे मौका दिया है जैनब ने, और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। और आप तो देख रहे हैं पब्लिक कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लोग, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया। कुछ डिफरेंट लग रहा है ना आपको, अब तक आपने शायद कुछ और प्रोग्राम्स किए होंगे लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है शायद? आज का रिस्पॉन्स बिल्कुल हटके है, मैं जो गाने अक्सर नहीं गाता हूँ आज गाने पड़ रहे हैं मेरे को, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। तो पब्लिक भी आपका साथ दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक मेरे साथ गा रही है इनफैक्ट, और दे आर इन्जॉइंग अ लॉट। रेस्पॉन्स तो बहुत ज़बरदस्त था, इट्स सो हार्ट वार्मिंग, आई फील लाइक सबको पसंद आया है आंगन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ जैनब। बहुत बड़ा काम है ये टू गेट ऑल दी स्टॉल्स टुगेदर, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है एंड टीम वर्क, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। या और इस आंगन में शायद एक टाइम तो लगा होगा आंगन को जमाने में, तो आप इनकी मेहनत को क्या कहना चाहेंगे और इनको आगे और कुछ करने के लिए सलाह कुछ ज़्यादा देना चाहेंगे आप? सलाह तो पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट आंगन 2.0 अगर आया तो भी मैं साथ रहूँगी, बस ये बोलना चाहूँगी। एंड आई एम श्योर अगर फर्स्ट आंगन ही इतना अच्छा है तो सेकंड वाला भी बहुत धमाकेदार रहेगा। बिल्कुल, जब आंगन नहीं मेरे ख्याल से शायद बहुत बड़ा हवेली या फिर कोई बड़ा मैदान रहेगा, साथ में आंगन भी रहेगा। तो आप हमारे व्यूवर्स बहुत शायद इंतज़ार कर रहे होंगे, आप अपने जो किरदार है उसके स्टाइल में कुछ उसके उस किरदार में उतरते हुए क्या कहना चाहेंगे आप, कोई एक पैगाम या मैसेज कोई भी आंगन के ज़रिए से? मेरा स्टाइल ऐसी है, मैं जनरली उतनी हूँ, कोई डिफरेंट स्टाइल तो नहीं है, लेकिन पंच को ये डायलॉग, पंच डायलॉग वो सब मतलब डेली लाइफ स्टाइल का रहता है, तो ऐसा कुछ डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आज ही देखी थी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सो प्लीज़ सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए, बस यही बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा डेली लाइफस्टाइल ही मेरा एक्सेंट है। अच्छा। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है। बिल्कुल लग रहा है आपके बात करने से कि आपका जो स्टाइल है वो कुछ अलग नहीं है, आपका जो नेचुरल है वही एक्टिंग है, और जो एक्टिंग है वही नेचुरल है, तो बने रहिए आप भी इसी तरह से। तो ये थे दी आंगन के तमाम डिटेल्स, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ आंगन में आंगन पूरा भरा हुआ था, और आंगन में जो यहाँ के मेहमान और मेज़बान थे वो भी बड़े खुश नज़र आए, और सभी ने अपने 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 तरफ से अपने अपने तरह से इंजॉय किया है। जैसा कि इमरान ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक समा बना दिया, और इमरान के जो गाने थे एक से एक आला गाने थे, और सभी इनका गानों का इंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ आपके जो चाहने वाले जो किरदार थे, खाला और खाला की बहू और उनके बेटे और उनके दिगर जो जो भी थे, और उनके सास ससुर सब यहाँ पर आए थे, और सभी ने एक अच्छा अच्छा पैगाम यहाँ पर दिया है। और जो आंगन आज का जो था, आज का जो एक कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी सक्सेस नज़र आया है। जैसा कि जैनब ने हमसे बात करते हुए बताया कि यहाँ पर जो स्टॉल्स डाले गए थे 80 से ज़्यादा यहाँ स्टॉल्स थे, और जो यहाँ पर जो लोग आए थे मैं समझता हूँ कि तकरीबन एक 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए थे, और बहुत मज़ा कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, और लोगों के एक शायद एक एक्साइटमेंट था कि शायद 2-3 दिन और
हो जाता तो बहुत मज़ा आता, लेकिन फ़िलहाल एक शुरुआत थी तो शुरुआत में ही बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक नेक्स्ट इनका भी एक और प्लान है दी आंगन का, तो देखते हैं जब वो आता है तो किस तरह से आंगन फिर भरा भरा नज़र आता है या फिर कुछ और हालात नज़र आते हैं। तो इसी तरह के न्यूज़ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तमाम आपको देखना हो तो हमारे चैनल को जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सत्य।